हेलो गाइस, आई मीन अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लो फ्रिक्वेंसी की एपिसोड नंबर 8 की, और ये इसका लास्ट एपिसोड है। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि थीम्स जो है अपनी आंखें खोलता है, मतलब कि उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ चुकी है। और फिर वो जो है अपने हाथों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसके पास जो है मोन बैठा हुआ है। वो उठता है, वहाँ पे मोन उसको देख के जल्दी से हक करता है। तो वहाँ पे थीम्स कहता है कि मोन तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो। वहाँ पे मोन उसको कहता है कि तुम्हें क्या याद है। तो उसके कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं पार्टी में गया था, उसके बाद के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे मोन कहता है कि उसकी बात तुम्हें याद है। तो वहाँ पे कोई कहता है उसके बाद मेरी सोल मेरी बॉडी से बाहर आ गई थी, और फिर मैं तुम्हारे घर में रह रहा था। वहाँ पे मोन रोने लगता है, उसको कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, और क्या तुम्हें लगा कि ये मजाक है। और ये बोल के वो दोनों हक करते हैं, और मोन अभी भी रो रहा था और थीम्स भी रो रहा था। वहाँ पे बुआ और ग्रैंडमा आ जाती हैं, और ग्रैंडमा जो है काफी ज्यादा रोने लगती है, और फिर ग्रैंडमा भी थीम्स को हक करती है और बुआ भी, और वो चारों रो रहे थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये चारों बैठ के जो है न्यूज देख रहे थे, और न्यूज में वो लड़की बता रही थी कि फाइट के बारे में जो है ये न्यूज पता चली है कि वो जो है ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। और पुलिस को एक क्लू भी मिला है, वो ये कि फेमस एक्टर थीम्स के एक्सीडेंट में भी उसी का हाथ था। पुलिस जो है अब उसको पकड़ चुकी है। ये सारी बातें सुनने के बाद कर्मा जो है टीवी को बंद करके खड़ी हो जाती है, और कहती है कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और कर्मा जो है जरूर वापस आते हैं, और वो इंसान को जो है उसके किए की सजा भी देते हैं। इसके साथ ऐसा ही होना था। सब लोग उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। तो वो कहते हैं ग्रैंडमा काम डाउन हो जाओ, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से बढ़ जाएगा। अब वहाँ पे ग्रैंडमा बैठ जाती है और कहती है बुआ को कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ। लेकिन वो जो है लकी था, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी। अगर मैं वहाँ पे होती तो उसको मैं बताती कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ। अब वहाँ पे थीम्स कहता है कि हाँ, मेरी ग्रैंडमा बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर वो वहाँ पे होती तो वो अब तक जो है जिंदा ना बचता। और मोन उन लोग को देख के स्माइल कर रहा था। फिर से ग्रैंडमा कहती कि ये इसके लिए काफी नहीं है कि वो जो है अरेस्ट किया गया है, उसको और भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कर्मा की वजह से उसको और भी ज्यादा नुकसान हो। फिर ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन सब कुछ टाइम पे कैसे हो गया, थीम्स अभी उठा है और अभी जो है उसको अरेस्ट किया गया। तो थीम्स मून की तरफ देखता है, मून कहता है ग्रैंडमा को कि हाँ ग्रैंडमा सब कुछ जो अपने टाइम पे हो रहा है। और फिर से ग्रैंडमा कहती है कि मैं जो उसको नहीं छोड़ने वाली, अगर वो गलती से भी मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पनिश करूंगी। वहाँ पे वो कहती है उनको कि मेरे साथ चलो, वो उसको वहाँ से लेके जाती है। और ग्रैंडमा कहती कि आजकल मैं लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो कहती है थीम्स को कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ, उसको खिलाने लगते। उसको कहती है तुम बहुत ज्यादा वीक हो गए। तो थीम्स कहता है लेकिन हाँ अभी भी मैं हैंडसम हूँ। तो वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मेरा ग्रैंडसन अभी भी गुड लुकिंग है। तो वहाँ पे थीम्स कहता है कि ग्रैंडमा आप हमेशा सही बोलती हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि बुआ जो है मून को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। मून जो है उसी की तरफ देख रहा था और स्माइल भी कर रहा था, लेकिन बुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो वो कहती है कि मुझे क्या तुम्हें कुछ बताना है, थीम्स के साथ क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो उसको कहता है कि तुम क्या समझना चाहती हो। वो कहता है कि तुमने ठीक समझा, मैं और थीम्स जो है डेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो कहती है मुझे पता था कि ऐसा ही हो रहा है। वो कहती है कि जैसे प्रॉब्लम नहीं कि थीम्स किसको डेट करना चाहता है या फिर वो किसी के साथ रिलेशन में आना चाहता है, लेकिन मुझे ज्यादा टेंशन तुम्हारी है। तो मून कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें मेरी टेंशन है। तो वो कहती है हाँ, क्योंकि वो कहती है कि हाँ क्योंकि उसके फैन जो है इस वजह से। तो उसको कहता है लेकिन मुझे थीम्स ने कहा था कि उसके फैन मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से फैन तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और कौन से फैन तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हें जो है केयरफुल रहना होगा। तो वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। कहती है बस मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाह रही थी, तुम दोनों जो है अच्छे से रहना, अगर थीम्स तुम्हें जो है अच्छे से ट्रीट ना करे तो फिर तुम मुझे बताना। कहती है मैं उसको खुद ही देख लूंगी, बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। वहाँ पे मून कहता है कि हाँ मिस मैनेजर मैं सब समझ गया। दोनों स्माइल कर रहे थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि मून और थीम्स उस जगह के पास आते हैं जहाँ पे गार्डियन एंजल बैठा था। तो वहाँ पे मून कहता है कि मतलब गाय हमेशा मेरे साथ ही था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे थीम्स कहता है कि हाँ, फिर वो कहता है मुझे गाय ने कहा कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जो खुद को ब्लेम करना छोड़ दो, और वो जो है एक एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो वहाँ पे कहता है ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं अपने हाउस स्पिरिट को नहीं देख पाया आखिरी बार। फिर थीम्स कहता है लेकिन नेक्स्ट डोर का जो है अंकल है मैं उनको नहीं देख पा रहा। फिर उस तरफ फेस करके उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको नहीं देख पा रहा था। फिर भी उससे बात की कहता है कि आपको केयरफुल होना चाहिए।
वहाँ पे मून स्मेल कर रहा था, मून उसको कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अपने घर जाते हैं, मून जो अंदर जाके बैठ जाता है और वहाँ पे थेम्स बाहर खड़ा हुआ था। तो मून कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो वहाँ पे थेम्स कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मून कहता है क्या तुम मेरी परमिशन का वेट कर रहे हो अंदर आने के लिए। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि नहीं मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम पैकिंग करो। तो वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब, मैं किस चीज़ की पैकिंग करूँ। वो कहता है मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम अपने कपड़ों को पैक करो। तो वहाँ पे ही मून कहता है मैं कपड़ों को पैक करूं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि उस जगह जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया था। वहाँ पे मून स्माइल करता है, हमें देखने को मिलता है कि थेम्स बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा रहा था। मून उसको कह रहा था कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ, क्या तुम इसको ख़त्म कर पाओगे। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे बस इसको खाना है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वहाँ पे ही मून कहता है क्या सिस्टर बुआ ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें जो है अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहता है मैं अभी भी इसको मिस करता हूँ और मैं अभी इसको की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वहाँ पे वो वेट्रेस को बुलाता है और भी फ्लेवर्स आइसक्रीम के जो है वो मंगवाता है। वहाँ पे मून शक्लें बनाने लगता है। फिर मून कहता है कि क्या तुम सच में ये सब कुछ खाने वाले हो। जेम्स कहता है कि हमें इतने टाइम के बाद आइसक्रीम खा रहा हूँ तो मैं ये सब कुछ खाने वाला हूँ। तो वहाँ पे मून कहता है कि अगर तुम इसी तरह खाते रहे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मरने तक आइसक्रीम नहीं खा पाओगे। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता और अगर मैं मरने तक नहीं खा पाऊंगा तो एटलीस्ट आज तो खा सकता हूँ ना। वो दोबारा से आइसक्रीम खाने लगता है। थेम्स जब आइसक्रीम खा रहा था तो वो आइसक्रीम जो है उसके लिप्स के अराउंड आ जाती है। तो वहाँ पे मून को कहता है कि देखो मेरा मुँह खराब हो गया। तो वहाँ पे पूछे है उसके फेस को क्लीन करता है। वो दोनों इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि बच्चा है काम कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। वो कहता है कि मॉन जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, मॉन प्लीज़ वापस आ जाओ। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर थेम्स जो है सारी आइसक्रीम ख़त्म कर देता है और वो बैठ जाता है। तो वहाँ पे मून कहता है कि सच में तुमने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई, जब से मैं पैदा हुआ मैंने किसी को भी इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाते हुए नहीं देखा। थेम्स कहता है कि नहीं ये इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं थी। फिर थेम्स को कहता है मून तो फिर क्या हम घर चले। तो वहाँ थेम्स कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बोला था कि पैकिंग करो कि हम जो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे मून कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। थेम्स कहता है कि हम चेंगमंग जा रहे हैं। तो वहाँ पे मून कहता है क्या हम चेंगमंग जा रहे हैं। थेम्स कहता है कि हाँ तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब मेरी सोल मेरी बॉडी में वापस जाएगी तो हम दोनों वहाँ साथ जाएंगे। तो वहाँ पे मून कहता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है वहाँ जाने की। तो वहाँ पे थेम्स कहता है क्योंकि बाद में मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होने वाला। तो मून कहता है कि तो फिर मेरी जॉब का क्या, अगर मैं इसी तरह छुट्टियाँ करता रहा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। वहाँ पे थेम्स कहता है कि मैं इसको तुम्हारे लिए सेटल कर सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत कर ही रहे थे। वहाँ पे थेम्स को वोमिटिंग आने लगती है और वो साइड पे चला जाता है। मून कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि एक साथ इतनी ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन तुम जो अभी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे थे तुमने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली, वो भी अलग अलग फ्लेवर एक साथ। फिर उसको कहते हैं क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। फिर हमें देखने को मिलता है मून जो है गिटार के साथ बैठा होता है, उसके पास आता है थेम्स, उसको कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ गाना गा सकता हूँ। वो दोनों साथ सॉन्ग सिंग करते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मून को थेम्स कहता है कि ये देखो मेरा प्लान क्या। तो उसको कहता है कि क्या है मुझे देखने दो। वो उस पर कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट प्लान है कि तुम आइसक्रीम खाओगे जब तक तुम जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, और सेकंड तुम मून के साथ चेंगमंग जाओगे, और थर्ड नंबर पे है कि तुम्हें जो है सिंग करना है मून के साथ जब वो गिटार को प्ले करे। मून कहता है अगर ये बात है तो फिर मैं जो इसमें फोर्थ प्लान भी ऐड करता हूँ। तो थेम्स कहता है कि क्या मतलब मुझे बताओ। तो मून कहता है आज नहीं मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो थेम्स कहता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, कल में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मुझे अभी जाना है। तो वहाँ पे मून उसको कहता है तुम्हें वेट करना होगा। थेम्स कहता है ठीक है मैं वेट करता हूँ। फिर वो कहता है अच्छी बात है तुम वेट करो। तो थेम्स कहता है लेकिन मुझे अभी जानना था। तो वहाँ पे मून कहता है नहीं तुम्हें वेट करना होगा। फिर हम देखने को मिलता है कि मून जो है नेक्स्ट डे थेम्स को एक घर में लाया था। थेम्स कहता है कि तुम्हारा ये प्लान था। वहाँ पे मून कहता है अगर मैं इसको नहीं करना चाहते तो मैं वापस जा सकते। तो थेम्स कहता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो मैं वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो और अब मैं तुम्हारी फैमिली का भी पार्ट बनना चाहता हूँ। तो वहाँ पे थेम्स अपना हाथ देके कहता है कि अगर तुम्हें डरेगा तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। थेम्स उसका हाथ पकड़ता है। मून और थेम्स जो है सिंह के आगे बैठे होते हैं। सिंह मून की तरफ देखता है, फिर थेम्स की तरफ देखता है। मून कहता है कि ब्रदर सिंह तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो कहता है कि तुम मुझे बताओ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मून कहता है कि क्योंकि तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हें मिलाऊंगा। तो थेम्स मेरा बॉयफ्रेंड है। वहाँ पे वो जो है थेम्स की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम मून की बॉयफ्रेंड हो। तो वहाँ पे थेम्स कुछ नहीं बोल रहा था, वो जोर से टेबल पे हाथ मारता है। तो वहाँ पे थेम्स कहता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। थेम्स बहुत ज़्यादा डर गया था, वो पानी पीने लगता है। तो वहाँ पे मून कहता है ब्रदर सिंह अगर आप ऐसे ही
उसको डराते रहे तो फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। तो वहाँ पे सिंह कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें गुस्सा हो गया? वो उससे स्माइल करके बात करता है। मून कहता है कि ब्रदर सिंह मुझे बताओ मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, क्या उसने टेस्ट पास किया? तो वहाँ पे सिंह कहता है कि हाँ मैं पहले इससे मिल चुका हूँ और ये हैंडसम है, इसने टेस्ट पास कर लिया। वहाँ पे थेम स्माइल करने लगता है। वहाँ पे सिंह कहता है लेकिन इस तरह का कोई सेलिब्रिटी क्या कोई प्लेबॉय नहीं हो सकता? वहाँ पे थिम्स कहता है ब्रदर सिंह मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो आप बोलोगे, और मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूँ, वो आपका भाई है। कहता है कि मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो वहाँ पे सिंह कहता है कि नहीं तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं बुआ को कहूँगा कि वो तुम पे बस नजर बनाए रखे। वहाँ पे हिमुन कहता है कि ब्रदर सिंह मुझ पर यकीन करो, मेरी चॉइस जो है परफेक्ट है और इसमें गड़बड़ नहीं है। वहाँ पे ही सिंह कहता है मैंने पहली बार तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुना है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। सिंह कहता है थीम्स को कि समझो ये तुम्हारा ही घर है, अच्छे से खाना खाओ। तो वहाँ पे हिमुन कहता है लेकिन पहले तो आपने उसको डरा दिया। तो उसको कहता है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है। फिर मैं देखने को मिलता है कि मून और थिम्स दोनों साथ बैठे हुए थे। थिम्स कहता है मून को थैंक यू। तो वहाँ पे मून कहता है तुम किस बारे में थैंक यू बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी हेल्प की तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में वापस जाने के लिए। तो वहाँ पे थिम्स कहता है उसके लिए भी, लेकिन जब मैं सोचता हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल, उसे नहीं मिला था तो मेरी लाइफ हमेशा काम काम और काम ही हुआ करता था। और मैं घर जाता था सोचा करता था नेक्स्ट डे दोबारा काम, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं भी तुम्हारे साथ जीऊँ, तुम्हारे लिए जीऊँ, तुम्हारे तरह जीऊँ और तुम्हारी तरह हैप्पी रहूँ। फिर थिम्स कहता है मून को कि तुमने सुना है जब लोग मर जाते तो वो स्टार बन जाते हैं, और फिर जब मैं इनकी तरफ देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि जब मैं मर जाऊँगा तो मैं भी वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ भी मून कहता है अगर ये बात है तो फिर मैं उस साइड जाऊँगा, अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं उन स्टार वाली साइड जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाइनी स्टार्स हैं। फिर वो थिम्स को कहता है तुम बताओ तुम्हारा क्या? तो वहाँ पे थिम्स कहता है कि जहाँ जहाँ मून जाएगा उसके पीछे पीछे थिम्स जाएगा। तो वहाँ पे मून कहता है कि तो फिर तुम्हें तब तक मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। थिम्स जो है मून के चेक पर किस करता है। वहाँ पे मून उसकी तरफ देख के उसके लिप्स पर किस करता है। और फिर मून कहता है कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हो, एक दिन अगर तुम मुझे बोर हो गए और फिर तुम किसी और के पास चले गए और मुझे तुमने छोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा? तो वहाँ पे थिम्स उसको कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये कभी भी नहीं होगा। वो एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे, वो दोबारा किस करते हैं। फिर हम देखने को मिलता है कि मार्क और थिम्स दोनों जो है आजाद काम कर रहे थे, मतलब कि उनकी शूटिंग हो रही थी। वहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि आज का काम यहीं पे ख़त्म हुआ, अपना सामान लो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे यही आता है, कहता है कि फाइनली तुम दोनों साथ मैं लीड का रोल कर रहे हो। तो वहाँ पे थिम्स कहता है कि हाँ मैंने नहीं था सोचा कि मैं और मार्क दोनों जो है साथ में लीड का रोल करेंगे। वहाँ पे बुआ भी आ गई थी। मार्क कहता है थिम्स को कि क्या तुम फ्री हो मेरे साथ जाओ? तो वहाँ पे थिम्स कहता है क्या तुम मुझे ड्रिंक लेकर दोगे? तो वहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ड्रिंक लेके दूंगा। तो वहाँ पे थिम्स कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मैं बिजी हूँ। और वो मार्क को कहता है कि तुम्हें भी कम ड्रिंक करना चाहिए, ऐसा ना हो तुम्हें लिवर में ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। रही और मार्क वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो कहती है थिम्स को कि तुमने अच्छा काम किया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, जाके कपड़े चेंज करने चाहिए। उसको वहाँ से ले जाती है। वहाँ पे मार्क और रईस दोनों साथ जा रहे थे। एक कहता है मार्क को, एक कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ जब होते हो ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे तुम थिम्स के साथ कर रहे थे। वहाँ पे मार्क कहता है कि क्या मतलब तुम जेलस हो रहे हो? तो उसके कहता है कि नहीं मैं इस तरह का नहीं हूँ। तो वहाँ पे मार्क कहता है कि हाँ तुम जेलस हो रहे हो। वहाँ पे यही बात मान लेते। फिर देखने को मिलता है कि मून जो अपना काम कर रहा था वहाँ पे थिम्स बहुत ही आराम से आता है चुप चुप के और वो पीछे से उसको हक करता है। तो वहाँ पे मून कहता है तुमने मुझे डरा दिया। उसको कहता है कि तुम आज जल्दी क्यों आयो? तो वहाँ पे थिम्स कहता है कि मुझे लगा कि शायद मुझे कोई मिस कर रहा हो। वहाँ पे मून जो है टीवी ऑन करता है तो थिम्स उसको कहता है कि तुम क्या देखने वाले हो? तो मून कहता है तुम भूल के आज तुम्हारा ड्रामा आने वाला है जो तुम मार्क के साथ प्ले कर रहे हो, उसका आज पहला एपिसोड है। तो वहाँ पे थिम्स कहते हैं कि हम यही भूल गया था। वहाँ पे वो कहता थिम्स को कि चलो साथ बैठ के देखते हैं। और फिर वहाँ पे ही थिम्स का और मार्क का किस सीन जो है टीवी पे चल रहा था, जिसको देख के थिम्स जो है फेसेस बनाना शुरू हो जाता है और रिमोट लेके टीवी को बंद कर देता है। तो वहाँ पे मून कहता है कि तुमने इसको बंद क्यों किया? मुझे देखना था। तो वहाँ पे थिम्स कहता है मैं शायद फील कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो उससे रिमोट लेने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है उसको मुझे अभी भी ये सीन देखना है। तो वहाँ पे थिम्स कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये देखना है, बोल के उसको टच करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे मून कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे टीवी पे देखना था, तुम मेरे साथ ये लाइव करना स्टार्ट मत कर दो। फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर वहाँ पे थिम्स कहता है मून क्योंकि आज रात में यहाँ पे नहीं सो सकता। तो वहाँ पे मून कहता है क्यों? तो वो उसको कहता है मुझे जो है कल बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। मून कहता है तो फिर आज रात हमारे डेट का क्या? तो वहाँ पे थिम्स कहता है मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ ना।
मैं हमारा वैलेंटाइन डे डिनर जो है नहीं भूला। वहाँ पे मोन कहता है ठीक है, लेकिन मोमो बनाने लगता है। तो वहाँ पे सेम उसको कहता है मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम लेके जाऊँगा ना पक्का। पर उसके फॉरहेड पे भी किस करता है। तो वहाँ पे मोन कहता है ठीक है ठीक है, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर दिन को मिलता है कि मार्क और आई भी अब साथ थे। फिर से मिलता है कि मून और थेम्स दोनों जो है डिनर के लिए गए। तो थेम्स कहता है मून को कि मून तुम्हारी जो है ये सेकंड लाइफ और मेरी भी ये सेकंड लाइफ है। हमें नहीं पता कि हमें यूनिवर्स कभी थर्ड लाइफ का चांस देगी भी या नहीं। क्या हम इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मून स्माइल करके उसको देखता है। तो थेम्स कहता है क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज होगी। तो उसको कहता है कि हाँ। पर थेम्स उसका हाथ उठा के और अपने दिल पे रख के कहता है कि देखो मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब हम दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट को समझते हैं। फिर वो उसको कहता है मून क्या तुम तब तक मेरी हार्ट बीट को सुनते रहो कि जब तक वो रुक नहीं जाती। तो मून उसको स्माइल करके कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर हम देखने को मिलता है कि मून और थेम्स जो एक जगह पे आए हुए थे। मून को थेम्स कहता है क्या तुम थक गए क्योंकि तुमने ड्राइव किया। तो मून कहता है कि नहीं। और फिर वो दोनों जो है आगे जाके खड़े हो जाते हैं। मून कहता है कि आज थोड़ी सी सर्दी है। तो वहाँ पे थेम्स कहता है तुम्हें सर्दी लग रही है, तुम मुझे अपने हाथों थेम्स उसके हाथ गर्म करता है। फिर वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। फिर थेम्स जो है मून को हक करता है। और फिर मून कहता है कि एक सोल एक लो फ्रिक्वेंसी वेव की तरह होती है, ये बहुत लो है कि इसको नॉर्मल ह्यूमन नहीं देख सकते। मून कहता है कि मैं लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को और सोल को देख सकता हूँ और इन सब ने मुझे अलाउ किया कि मैं थेम्स से मिलूँ और उसको देखूँ। और मेरे लिए लो फ्रिक्वेंसी वेव थेम्स ही है। और ये जो प्यार का वर्ड है इसका मतलब डांस करना, वो भी पूरे इमोशन के साथ। और फिर मून कहता है कि लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को हम जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन अगर इसको प्यार की तरह लिया जाए और प्यार का मतलब हमारी दिल की धड़कन और वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं उसको महसूस करना। यहाँ पे ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाती है। वीडियो कैसे लाइक कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।